दोस्तों आपको बता दें आज हम लोग सिवान में और सिवान के बस स्टैंड में ललित बस स्टैंड आप देख सकते हो पूरा ये, और हमारे यहाँ पे अभिषेक भाई मिल जाएंगे। और ये ललित बस स्टैंड है पूरा आप देख सकते हैं, हम सफर का काउंटर है अपना, और यहीं से निकले बस आपको दिल्ली वगैरह कहीं भी जाए काउंटर पे अपने भाई मिलेंगे अभिषेक भाई। क्या अभिषेक भाई नंबर बता दो अपना एक बार, ये 70-70-56-2000 कहीं भी जाना होगा हाँ संपर्क कर सकते, तो ऑनलाइन आप बुक कर सकते टिकट यहाँ पे नोएडा गाजियाबाद दिल्ली सब पूरा जी जी। और यहाँ पे बिट्टू भाई मिल जाएंगे अपने, और ये रहा शंभू शोभा का अपना काउंटर, यहाँ से आपकी पर डे बसें मिलती है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बसें खुलती है, लास्ट 2 बजे तक बसें खुलती है यहाँ से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे और 2 बजे 3-4 बसें पर डे डेली बस मिलती है और दिल्ली से यहाँ भी आ सकती है। बाकी चलते बस दिखाते हैं आपको और पूरी जर्नी दिखाने वाले इसमें आपको, और बस दिखाते बस का लुक वगैरह दिखा देते आपको चलिए। और ये रहा स्टैंड पूरा, मैंने हर जगह यहाँ से बसें मिल जाएगी आपको ना हर जगह, और अपनी कोलकाता के लिए भी चलती है ना, कलकत्ता बनारस रांची कहीं अच्छा, भी जाना होगा कहीं भी जाना यहाँ के संपर्क करिए शंभू सभा काउंटर में अपने अभिषेक भाई हम सफर से, और शंभू सभा के यहाँ पे मिल जाएगी। और ये अपनी चमचमाती हुई बस अभी भी लॉन्च हुई है ना, ये न्यू बिल्कुल लॉन्च हुई है हम सफर की अपनी, ये चमचमाती हुई टाटा की है ना जी जी, टाटा की एकदम मल्टी एक्सल बस है, और पूरा इसमें स्लीपर प्लस चेयर दोनों ही है। अंदर चल के इंटीरियर दिखा दे आपको, और पूरी जर्नी कवर करने वाले हम लोग यहाँ सिवान से आपको गोरखपुर होते हुए रूट जो होता है गोरखपुर लखनऊ होते हुए आगरा मथुरा होते हुए नोएडा तक दिल्ली तक जाएगी, नोएडा में काली नगरी नंबर ले लीजिए कभी भी जाना होगा 70-85-21-16 बिल्कुल नंबर कर दूंगा आगे भी आप कर सकते हैं। बाकी अंदर से बस के इंटीरियर में दिखाते हैं जो अभिषेक भाई है, ये बस की लुक आप देख सकते हैं पूरा एयर सस्पेंशन के साथ, ये टाटा की मल्टी एक्सल बस है पूरा स्लीपर बढ़िया। अंदर चल के इंटीरियर दिखाता हूँ, चमचमाती हुई बस नहीं है बिल्कुल, और सर्विस भी बिल्कुल, मैं तो बहुत बार ट्रेवल कर चुका हूँ ऑलरेडी इस बस से ट्रेवल करने वाले। अंदर चल करके बस के इंटीरियर को पूरा दिखाते हैं और पूरी जर्नी कवर करने वाला हूँ, तो चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर जरूर करना, और यहाँ से पूरा ही आइए भैया आइए। और ये है अपना केबिन स्पेस जो अनूप भैया चलाएंगे ले करके जाएंगे यहाँ से अनूप सिंह जी, और ये अपने केबिन देख सकते हैं केबिन कितना सजाया हुआ प्यारा सा, और ये अपने शंकर भगवान जी जिनके साथ हम ट्रेवल करने वाले हैं। क्यों अनूप भैया पूरा एकदम मस्त आदमी है, रास्ते में आपको दिखाएंगे एकदम दिलाए आदमी है बिल्कुल। और ये केबिन है अपना, केबिन स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी कंडक्टर वगैरह बैठ जाता है आराम से। और ये रहा बस का इंटीरियर देख सकते हैं पूरा, सवारी जो है ऑन बोर्ड हो रही है, ये अपना स्लीपर चलिए यही हो जिले, और ये भी उस्ताद जी हैं जो साथ में ट्रेवल करने वाले, और मेरा जो चेयर है मेरा जो वर्थी है तो बैठूंगा भी दिखाऊंगा आपको, चेयर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल सीट होता है, आप बैग भी कर सकते हैं पुश बैग, और काफ़ी कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हैं। लेग रूम की बात करूँ लेग स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा आराम से कर सकते हैं, और ऊपर में पूरा स्लीपर है और नीचे भी स्लीपर है, और साइड में यहाँ पर आपको चेयर मिल जाएगा पूरा। सवारी जो है ऑनबोर्ड हो चुकी है, और साथ में चलने वाले हैं बाबा अजीत बाबा के साथ तो ट्रेवल ही करेंगे पूरा है ना, रास्ते में आपको दिखाएंगे सफर। ये एसी वेंट्स है देख सकते हैं, ये 4 AC वेंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, LED लाइट है लैंप, और साथ में साइड में पर्दा मिल जाएगा आपको, और ये सीट डबल स्लीपर है दो लोगों के लिए, काफ़ी कम्फर्टेबल एकदम, बेड इतना जोड़ा है आराम से सो के अभी चिल करके सो करके जा सकते हैं आराम से। और ये पर्दा है पूरा देख सकते हैं, और पर्दा खोल के बाहर का नज़ारा देखना है तो बाहर के नज़ारे भी देख सकते हैं अभी से। यहाँ पर ये पर्दा है पूरा स्लाइड है टाटा की बस, लेकिन फीलिंग जो वोल्वो वाले नहीं वाले फिर क्यों अभिषेक भाई है ना, ये आपका ऊपर का केबिन है देख सकते हो, 4 AC वेंट्स है, और साथ में लाइट LED लाइट चार्जिंग सॉकेट भी है सब चीजें है ना, और यहाँ पे ऊपर में ये है क्लोज स्लाइडिंग डोर देखते हैं, फीचर्स काफी अच्छा पूरा हाँ ट्रेन से बढ़िया बिल्कुल, और टाइम से रोड के नज़ारा देखते हुए बिल्कुल टाइम भी बचेगा नज़ारा देखते हुए, यहाँ एकदम टाइम की बिल्कुल परफेक्ट, और सर्विस बहुत बढ़िया है, मैं ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और आज फिर ट्रेवल करने वाले
तो ये ऊपर में पूरा स्लीपर है, नीचे में आपको चेयर मिल जाएगा, सारी चीज़ें। बंद हो गया। टिकट का प्राइस जो है बढ़ता चढ़ता सीजनेबल होता है, बाकी अभी जो प्राइस नॉर्मल प्राइस जो होता है अप्रोक्सली चेयर का कितना, 1000 रुपये है जी। स्लीपर का 1300 है, स्लीपर का 1300, थोड़ा सा पीक सीजन हो थोड़ा सा बढ़ जाता है 100-200 रुपये। ट्रेन से यही 2 रुपया कम है, लेकिन हाँ, बिल्कुल हाँ। ट्रेन में आपको एसी भेजिएगा 1700-1800 का पड़ेगा, या एसी में आप कंफर्टेबल बैठ के जाइए और दो जगह खुलेगी, टाइमिंग पहुँचाएगी सुबह में 7 बजे, मैक्सिमम 7:30 तक छोड़ देती है वो नोएडा में आपको दिल्ली में। और दूसरी चीज़ें बता दें आपको, बस के इंटीरियर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और स्टाफ सबसे बड़ी चीज़ स्टाफ जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल है, फैमिली वगैरह भी साथ ट्रैवल कर सकते हैं आप, और कहीं अगर बीच में आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी वैसे। और होटल में खाने पीने 2 जगह रुकते हैं, पहले गोरखपुर में आपको सेठी ढाबा पे स्टॉप है फर्स्ट स्टॉप, 7 बजे शाम को वहाँ पर खाना वाना खाएंगे आप और फ्रेश व्रेश होते हैं आराम से। उसके बाद सुबह मथुरा में, मथुरा के पास में रुकी है डायरेक्ट दिल्ली के, सुबह में 7-7:30 बजे तक दिल्ली गालिंदी को छोड़ देती है, वहाँ से आप नोएडा गाजियाबाद नहीं भी आप दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच, बाकी जर्नी करने वाले पूरा और आपको दिखा देगा बिल्कुल। तो बस जो है यहाँ से निकल चुकी है और ये जीरा दी जो घर की, और अपने मनोज सर जो मनोज जी, बताएं यहाँ से हथुआ 20 किलोमीटर, जीरा 10 किलोमीटर, मैरवा धाम 19 किलोमीटर। जो मैरवा ब्रिज क्रॉस कर रही है आप देख सकते हैं, मैरवा पहुँचने से पहले ये ब्रिज पड़ता है, इजली बढ़िया से मेरा पूरा ये सेठी ढाबा, जहाँ पे खाने पीने के लिए आपको स्टक है जो रुकती है यहाँ पे काउंटर वगैरह, अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको खाना मिल जाता है। सामने अपनी ये खड़ी हुई है हम सफर की ट्रेवल की बस, और इसी से हम लोग जल्दी निकलेंगे, और पूरी जो यहाँ पे करेक्ट टाइम पे 1/2 घंटे के लिए लंच के लिए रुकती है गाड़ी, और ये रहा नेशनल हाईवे जो यहाँ रुके, और सुबह यहाँ से बस, और सुबह में आपको छोड़ेगी 7 से 7:30 के बीच मैक्सिमम दिल्ली। ये पूरा सेठी ढाबा अच्छे रिजनेबल रेट में, खाना अच्छा स्वादिष्ट होता है, वेज नॉन वेज सारी चीज़ मिलती है, प्लस ये रहा बढ़िया ना बिल्कुल। हम लोग आ रहे हैं और खाने में है फ्राइड राइस लिया हमने, और भाई ने फ्राइड राइस दाल वगैरह नॉन वेज वगैरह ले सकते हो खाते हो तो, राइट लस्सी वगैरह खाने मिल जाते हैं, बहुत सारे ढाबे बहुत अच्छे खाने नहीं मिलते, बट यहाँ ठीक है तो ओके ओके खाना मिल जाता सही। गोरखपुर से और अब जो ड्राइव कर रहे हैं अजीत बाबा कर रहे हैं, रात में फुल स्पीड है, बढ़िया सेफ जर्नी तरीके से चलाते हैं गाड़ी को, और ड्राइविंग अपने स्टार्ट कर चुके हैं, वो देख सकते काफ़ी एक्सपीरियंस है, और 10 से 12 साल का इनका एक्सपीरियंस है ड्राइविंग करने का, और अनुभव है अपने से चेंज कर देंगे।
और फुल हाईवे पे फुल स्पीड में गाड़ी निकल चुकी है। ना कोई विश्वास ना है। अरे तीन गाड़ी के सवारी वो बड़ी बहुत लड़ी के लिए गाड़ी कहाँ है? यहाँ उत्तीस सतासी है वहाँ पे। साढ़े पाँच और ये डा सामने गुलशन ढाबा, और यहाँ पर आगे हमारी बस रुक चुकी है। यानी सुबह को फ्रेश वेश होने के लिए आपको रोका जाता है कि नेशनल हाईवे मथुरा के आसपास में पड़ता है, और यहाँ पे रोकती है फ्रेश वेश होने के लिए आपको, और आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। रात में एक बार ऑलमोस्ट स्टॉप पर रुकी थी कहीं पर फ्रेश वेश होने के लिए, और बस सुबह में बिल्कुल अपने परफेक्ट टाइम से 5:30 बजे तक 5:30 तक छोड़ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेती है आपको वहाँ पहुँचाने में नोएडा। देखते हैं, ये अब छप जमाती हुई बस, और ये नेशनल हाईवे यहाँ से बस अपनी बस निकल चुकी है और कुछ ढाबा से, और देख सकते हैं रोड पे। और अब सुबह में अजीत बाबा ड्राइव कर रहे हैं और लेके चल रहे हैं, यहाँ से लेके चलेंगे। अभी कितना टाइम लगे? 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ना, बिल्कुल 1.5 घंटे के अंदर आपको दिल्ली छोड़ देंगे। ये पूरा 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है बाबा का, और चलते हैं जर्नी यहाँ से आपको दिल्ली एनसीआर की जर्नी दिखाते हैं। आप कैसे प्यारे रोड एक्सप्रेस वे से बाबा बोल रहे हैं। Every other day you change your mind, 'cause when you're high.
जीरो माइल पे यहाँ से फिर आगे अब नेक्स्ट स्टॉप ग्रेटर नोएडा है ना, ग्रेटर नोएडा के लिए। हाँ, ग्रेटर नोएडा अगर आप जाना चाहते हैं जीरो माइल को उधर के नीचे 20 रुपए लगता है ना, 20 रुपए ऑटो लेके मिल सकता है कहीं भी। कालिंदीगुंज में रुकेंगे, दोनों तो पास ही पड़ेगा वही। हाँ, अब तो डायरेक्ट वही रुकिएगा ना कालिंदीगुंज में, 37 बनते कालिंदीगुंज। रोड बड़े प्यारे हैं ग्रेटर नोएडा के ना, अरे क्लीन सिटी। अरे इसको पकड़ो ना। जो बता दें आपको, ये सामने देखिए अपने खड़ी हुई है अभी कालिंदीगुंज में, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एकदम पहुंच चुके अपने, यानी अभी देखिए 7:25 यानी 7:35 पे टाइमिंग है, बट अभी 7:25 पे हम 7:30 यानी 7:30 पहले पहुंच चुके हैं दिल्ली कालिंदीगुंज में। और ये रही अपनी बस हमशफर, और यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी ब्लॉग वीडियो, लाइक कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन।